आचार्य जी मैं असम गुवाहाटी से आया हूँ तो मेरा प्रश्न काम बसना से लेकर है तो सर मेरा काम बसना में इतना ग्रस्त हूँ कि सारा दिन मुझे यही सोच आते रहते कि क्या है कि क्यों है इसलिए और काम बसना के कारण मेरे से कुछ साल पहले कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिसके कारण मैं अपने रिश्तेदारी उम्र कुछ लहज करना भूल गया तो वो सबसे तो मैंने सीख नहीं ली लेकिन अभी भी वही चल रहा है मेरा लेकिन वो चीज़ मुझे जब याद आता है तो मुझे बहुत मतलब ऐसा लगता है कि कुछ क्रिमिनल हूँ मैं मेरे हिसाब से और लेकिन बदल नहीं पा रहा हूँ मैं उस अभी यहाँ पर आग लग जाए काम वासना याद रहेगी क्या नहीं सर नहीं रहेगी ना अभी बारिश हुई है बहुत बाहर टहलने निकलो वहीं देखो कि एक सांप निकल पड़ा है पीछे काम वासना याद रहेगी क्या तो आग लगी हुई है और सांप सामने खड़ा है जहरीला बस दिख नहीं रहा है दिख नहीं रहा है इसीलिए अपने आप को फिर छूट दे देते हो मौका दे देते हो ये अभी तो समय खाली है कुछ करने को नहीं है कोई समस्या नहीं है कोई खतरा नहीं है चलो मौज करते हैं ये मौज वगैरह सब छू मंतर हो जाए अगर तुमको आग दिख जाए धुआं दिख जाए सांप दिख जाए हम्म, काल दिख जाए हमारा दोस्त भैंसे वाला वो दिखाई नहीं पड़ता ना है वो लगातार दिखाई नहीं पड़ता आदमी मानता है अभी तो हम जवान हैं जीने के लिए बहुत साल बचे हुए हैं कोई समस्या है नहीं चलो मटर करते हैं समस्या बहुत बड़ी है तो इन सब उपद्रवों का जो इलाज होता है वो ज्ञान ही होता है तुम अपनी हालत को गौर से देखो तो और दुनिया की हालत को देखो और उनको देखने के बाद सारा फितूर उतर जाएगा सब प्रेत हवा हो जाते हैं आदमी किसी भी तरह की विलासिता में रह सके उसके लिए बेहोशी बहुत जरूरी होती है विलासिता माने अयाशी कह लो और नशा ये दोनों हमेशा साथ चलते हैं इसीलिए आप जब अयाशी करना भी चाहते हो तो उसमें नशा बहुत जरूरी भी हो जाता है शराब मौजूद होनी चाहिए क्योंकि अगर होश बचे हुए हैं तो सच्चाई को भुला करके अपने आप को नवाबी करने की छूट दे ही नहीं पाओगे ये काम तो एक बेहोश आदमी ही कर सकता है ना कि सांप सामने बैठा हो और वो कहे मुझे तो मौज मारनी है कोई होशमंद तो कर नहीं पाएगा या कर लेगा किसी भी तरह का नशा हो सकता है शराब का हो कुछ और हो सत्ता का नशा भी हो सकता है कोई भी आपने व्यसन पकड़ रखा है उसका नशा हो सकता है क्या करते हो कोई नौकरी नौकरी करता हूँ क्या नौकरी है कोर्ट में करता कितना उसमें समय देते हो साढ़े दस ग्यारह बजे से पाँच बजे तक यही तो समस्या है ना ग्यारह से पाँच की नौकरी माने कुल छः घंटे और जवान आदमी हो दिन में या चौबीस घंटे कुछ आश्रित लोग हैं या बस अपना कमाना खाना है न, मैं शादी नहीं के मम्मी पापा के साथ रहता हूँ मम्मी पापा के साथ रहता हूँ तो घर मम्मी पापा का होगा हाँ, सब किराया भी नहीं देना पड़ता नहीं खाने भी वही दे देते हैं जी जी तो यही तो बात है कुल मिला के क्या उम्र है थर्टी फोर चौंतीस के हो शादी करी नहीं है किराया देना नहीं होता और माता पिता के साथ रहते हो मकान उनका है तो इसका मतलब ठीक ठाक पृष्ठभूमि से हो उन्होंने मकान तो बनवा ही रखा है पिताजी भी नौकरी करते थे पिताजी भी नौकरी करते थे तो उन्होंने बचा के भी रखा होगा जी सर वो सब। बचाया हुआ जो है वो भी तुम्हारे ही लिए ये भी तुम जानते हो बचपन से मैंने कुछ जिम्मेदारी ली भी नहीं बचपन से जिम्मेदारी ली भी नहीं भाई बहन कितने हैं बहन था उसके शादी हो गया कुछ हिस्सा था ही नहीं मेरा बहन की शादी हो गई तो अब बहन है नहीं घर में तुम तुम्ही और माँ बाप हैं बस बहुत बढ़िया और तो करना क्या है जिंदगी में छोड़ने की भी बहुत कोशिश कर जो गंदी छोड़ना हो नहीं होगा उठाना होगा जिम्मेदारी उठाओ और जिम्मेदारी नहीं उठाओगे तो मैं तुम्हें कुछ भी बता दू तुम बड़े से बड़ा ग्रंथ पढ़ लो कोई भी और उपाय लगा लो कुछ काम नहीं आएगा और इस पूरी स्थिति में तुम्हारी कोई विशेष गलती भी नहीं है तुम्हारी स्थिति में यदि सौ जवान लोगों को डाल दिया जाए तो उनमें से अस्सी नब्बे की वही हालत हो जाएगी जो तुम्हारी है बात एक विशेष व्यक्ति की स्थिति की नहीं है बात उस विशेष स्थिति की है जिसमें ये व्यक्ति फंसा हुआ है वो स्थिति ऐसी है कि उसमें तुम किसी को भी डालोगे उस पर कोई ना कोई नशा चाहे काम वासना का हो कुछ और हो कोई ना कोई अयाशी हावी हो ही जाएगी छ घंटे कुल जाना है वापस आना है खाने पीने को मिल जाता है घर अपना बना हुआ है पुश्ता नहीं अपनी पत्नी अपने बच्चे हैं नहीं कि जिम्मेदारी उठानी है कहीं पे कोई समय लगना है जीवन में कोई लक्ष्य कोई मिशन पकड़ नहीं रखा है घर में जब अकेला बच्चा होता है तो माँ बाप और ज्यादा ममत्व तो दिखाते हैं माँ भी कहती है कि यही तो बचाए लाड़ला तो उसको और देसी घी के पराठे और वो देसी घी के पराठे खा खा के शरीर में जो ऊर्जा भबकेगी उसका तुम और क्या करोगे कोई सार्थक काम तो कर नहीं रहे हो और जवान हो बिल्कुल भरपूर खाना पीना मस्त चल रहा है तो समय कहाँ लगाओगे ऊर्जा कहाँ लगाओगे बात तुम्हारी नहीं है और सर नौकरी में भी, भी इतना सरकारी नौकरी ज्यादा टाइम खाली है। ये तुम क्या सपना वगैरह दिखा रहे हो बाकी जितने जवान लोग यहाँ बैठे हैं लोगों को ईर्ष्या उठ रही होगी तुमसे यही तो पूरे जवान हिंदुस्तान का ऊंचे से ऊंचा सपना होता है सरकारी नौकरी जिसमें कुल छः आठ घंटे काम करके चल जाए पुश्तैनी घर माँ के पराठे पिता की दौलत जवान शरीर बस क्या मैं सलाह दूं तुमको किस शहर में रहते हो गुवाहाटी तो गुवाहाटी में चलो कुछ तुम और काम धंधा जल्दी नहीं ढूंढ पा रहे हो कुछ खेलने कूदने के लिए भी नहीं है तो आप सर आपका वीडियो देखने के बाद मैं अभी सुबह का टाइम जल्दी उठता हूँ तो टाइम नहीं रखता दौड़ता हूँ सुबह आके थोड़ा आपका और दौड़ा करो ना किताब वगैरह पढ़ता हो तो सुबह का टाइम निकल जाता है बीच में खाना बना बनाना भी शुरू किया जाएगा शाम तो करना ही चाहिए माता को मुक्ति दो खाना तुम बनाया करो घर का घर में कुछ काम वाले लगे होंगे सहायक हाँ, 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 हाँ। उनको भी सबको निकालो सफाई करो हाँ सब मैं सोचता हूँ कि सर हम लोग के वहां पे बंदर बहुत है तो उन लोग का खाने का मतलब कुछ कमी है मतलब पेड़ वगैरह कुछ है नहीं तो उसको वो काम भी थोड़ा पकड़ लो तो थोड़ा नहीं बंदरों को खाने को कम मिलेगा तो भाग जाएंगे वो अपना देख लेंगे पशु ऐसी जगह पे टिकते ही नहीं जहाँ उनके खाने को पीने को कम हो वो उस जगह से हट जाते हैं और जहाँ उनके खाने पीने की सामग्री उपलब्ध होती है उस जगह पर उनकी तादाद अपने आप बढ़ जाती है तो वो तुम्हें कुछ नहीं करना है और बड़े सामाजिक वैश्विक काम हो सकते हैं उसमें डूब सकते हो लेकिन इतनी जल्दी तुम उन कामों को पकड़ पाओगे या नहीं पता नहीं कम से कम अपनी देह का ही ख्याल करना शुरू करो एकदम जो काम तुरंत हो सकता है जब इतना समय उपलब्ध है तो सबसे पहले तो खेलों में लगाओ थक जाओगे काम वासना वगैरह अपने आप पीछे हटेगी थोड़ा देखो हम सब दरिंदे होते हैं तुम जब पैदा होते हो ना उसी समय पर प्रकृति तुमको एक काम निश्चित देकर भेजती है तो एक काम तो तय है कि जो तुम्हें करना ही करना है क्यों करना है क्योंकि पैदा हो गए हो और वो काम यही है काम वासना तुम जीवन में और कुछ करो ना करो प्रकृति जन्म के समय से ही इतना निश्चित कर देती है कि ये काम तो तुमको करना ही करना है ठीक है ये तो करोगे ही करोगे अब इसके अलावा अगर करने को चार पांच कोई अच्छे काम हो तो इस काम को तुम जो महत्व और समय और स्थान देते हो वो सीमित हो जाएगा मान लो तुम्हारे पास 100 यूनिट ऊर्जा है ठीक है अगर करने को एक ही काम है तो सारी की सारी ऊर्जा कहां जाएगी 100 की 100 चली जानी है वासना में ठीक है ना और वासना वाला काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि वो माताजी का आदेश है कौन सी माताजी जिन्होंने जन्म दिया है माने घर वाली माता जी नहीं। ये जो जन्मदात्री हाँ प्रकृति है उसका आदेश है कि वो तो करना ही पड़ेगा तुमको उसके आदेश की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता काम वासना हर स्त्री पुरुष के शरीर में बैठी ही हुई है तुम इतना कर सकते हो कि उस एक काम के अलावा जो प्रकृति ने पहले से ही निर्धारित करके भेजा है उस एक काम के अलावा तुम चार पांच और अच्छे और ऊंचे काम पकड़ लो उससे ये होगा कि वो जो पहला वाला काम है डिफॉल्ट काम उसको तुम जो जगह देते हो और समय देते हो उसका प्रतिशत उसका अनुपात जो है कम हो जाएगा और अगर तुमने दूसरे काम बहुत भारी और बहुत महत्वपूर्ण पकड़ लिए हैं तो वो जो डिफॉल्ट काम है पूर्व निर्धारित अनिवार्य उसका प्रतिशत और भी कम हो जाएगा बस ये हो सकता है न? तो जो लोग जीवन में कोई अच्छा ऊंचा सार्थक लक्ष्य नहीं रखते उनको सजा ये मिलती है कि उनको जानवर की जिंदगी जीनी पड़ेगी कुछ नहीं होगा करने पे तो और कुछ नहीं करोगे बस यही करोगे स्त्री गमन स्त्री विचार अपने ही विचारों और वीर में लथपथ लौट रहे हो कहीं पर पशुता और क्या होती है जानवर और क्या कर रहा होता है उसको कुछ है ही नहीं जीवन में लक्ष्य किसी बंदर की बात करी किसी बंदर के कोई होता है लक्ष्य वो भी यही करता है खाता है बंदरिया खोजता है या वो ये कहता है कि मैं एक नए तरीके का बगीचा लगाऊंगा वानर वन और उस पर सब बंदरों की सत्ता चलेगी या इंसानों ने सारी जमीन ले ली है और अपने देश बना लिए हम भी तो कुछ करें किसी बंदर ने कभी कुछ विचार किया कोई क्रांति करी कोई सिद्धांत बनाया ऐसा तो कोई बंदर करता नहीं खाने पीने से उसको जैसे ही शांति मिलती है तत्काल वो यही देखता है कि प्रजनन कैसे कर दिया जाए और बंदर फिर भी ठीक है प्रजनन उसके लिए एक शारीरिक क्रिया होती है इंसान की भारी दुर्गति है क्योंकि बंदर के लिए अनिवार्य है देह भाव में जीना इंसान दैहिक से ज्यादा मानसिक होता है तो इंसान जब देह से वासना नहीं कर पाएगा तो फिर वो मन से करता है बंदर को अगर बंदरिया उपलब्ध नहीं है तो बैठा बैठा विचार नहीं करेगा वो यूं ही कुछ और करने लगेगा कूद फान करने लगेगा देखेगा कहाँ है अमरूद के है केला के है वो अपना कुछ भी और करेगा या और उसके साथ ही बंदर होंगे उनसे अपना लड़ाई भिड़ाई कर लेगा कुछ भी करते बंदर है इंसान क्या है इंसान के पास एक खतरनाक उपकरण है यहाँ पे जब वो शरीर से सेक्स नहीं कर सकता तो फिर मन से सेक्स करता है और ये सजा है ये सजा है हम सोचते हैं कि बिना मेहनत करे अगर खाने को मिल रहा है सोने को मिल रहा है और भोगने को मिल रहा है तो ये हमारा सौभाग्य है दूसरे लाग कहते हैं ना वाह बेटा सही जिंदगी चल रही है तुम्हारी ज्यादा मेहनत वहनत करनी नहीं पड़ती और छक्के खा पी रहे हो दूसरे ऐसे ही कहते हैं ना जब देखें किसी की जिंदगी को उन्हें कुछ पता नहीं जो व्यक्ति बिना मेहनत के छक्के खा पी रहा है भोग रहा है और लग रहा है कि ऐश कर रहा है वो व्यक्ति वास्तव में बड़ी दुर्दशा में है ये दुर्भाग्य है उसका कि उसको ऐसी जिंदगी मिल गई जहां पिताजी ने छत दे दी और विरासत दे दी माता ने हलवा पूड़ी दे दी और सरकार ने नौकरी और पैसा दे दिया इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है वो यह है कि हिंदुस्तान की 90 प्रतिशत जवान आबादी ऐसी ही एक स्थिति को आदर्श मानती है यह है इस स्थिति से भी बड़ा दुर्भाग्य दस में से नौ जवान लोग उनके यदि दिल की बात पूछी जाए कहा जाए कोई सुनेगा नहीं हम किसी को बताएंगे नहीं बस हमारे तुम्हारे बीच में कान में फुसफुसा दो किस तरह की जिंदगी के सपने लेते हो तुम्हारी ड्रीम लाइफ क्या है वो कहेंगे यही तो है तुम तो फिर भी छह घंटे दफ्तर जाते हो हमारे जवान लोग चाहते हैं कि दो घंटे में ही निपट जाए दो घंटे में निपट जाए और सिर्फ तनख्वाह ही ना आए साथ में घूस भी खूब आए जितना कम काम करना पड़े और कम से कम काम के साथ जो अधिक से अधिक भोग संभव हो पाए वो हिंदुस्तानी युवाओं का आदर्श बन चुका है और जब ये तुम्हारा आदर्श बनेगा और तुम्हारी बदकिस्मती इतनी हो कि आदर्श साकार भी हो जाए तो फिर तुम्हें इसकी सजा यही मिलेगी जिंदगी नशे में डूब जाएगी अभी जवान हो तो कह रहे हो वासना का नशा है दस बीस साल बाद वासना का नशा उतना नहीं रहेगा तो दूसरे नशे करोगे क्योंकि ये सरकारी नौकरी तो भाई साठ पैंसठ तक चलनी है ना तो भांति के नशे करने का तुमको अवसर मिलेगा कृपा करके इस तरह की हालत को अपना सपना लक्ष्य आदर्श न बनने दें कि मौज तो उसकी है जो कुछ करता धरता नहीं कहते हो वाह क्या किस्मत लेकर के आया है हां सच में क्या किस्मत लेकर के आया है सौभाग्य उनका है जो दिन भर हाड़ बजा बजा के मेहनत करते हैं इसलिए नहीं कि किसी के गुलाम है और उनसे मजदूरी करवाई जा रही है इसलिए कि उन्हें कुछ सार्थक मिल गया है प्रेम हो गया है उनको और प्रेम अब उनसे काम करवा रहा है बल्कि प्रेम अब उनसे नृत्य करवा रहा है संतों ने अपने भजनों में काफियों में इस तरह की बात खूब कही है कि पागल ही हो गया हूँ मैं सर फिरा लोगों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और मैं दिन भर क्या करता हूँ मैं मालिक की धुन पर नाचता हूँ दिन भर और दिन भर नाचता ही रहता हूँ मालिक की धुन पर ये होता है सौभाग्य पूरा दिन ऐसा बीत रहा है कि मालिक न चाह कौन सा मालिक अरे राज्य सरकार भारत सरकार वाला मालिक नहीं या दफ्तर में बॉस वाला मालिक नहीं किस मालिक की बात हो रही है हाँ उस मालिक की उस मालिक से गहरा नाता जुड़ गया है और जिनका मालिक से नाता जुड़ जाता है ना मालिक संतों ने कहा है कि बड़ा बेदर्द है बड़ा बेरहम है निर्मम है बिल्कुल मालिक जो उसके प्यार में पड़ जाता है मालिक उसको कहीं का नहीं छोड़ता उसको दिन रात नचाता है कहता है यही मेरा प्यार है अब नाचो और नाचो माने क्या नाचो माने ये नहीं कि बाहर निकल के नाचने लग गए मालिक नचा है नाचने का मतलब है सार्थक कर्म अब तुम काम करोगे कुरुक्षेत्र में अर्जुन का तर्कश से बाण निकालना प्रत्यंचा खींचना लक्ष्य साधना और विद्युत गति से बाण वर्षा करना ये नृत्य है और कौन नचा रहा है अर्जुन को कृष्ण नचा रहे हैं जो मालिक के हो जाते हैं मालिक उनको ऐसे ही जो सर्वोच्च और सर्वाधिक आवश्यक युद्ध होता है उसमें डाल देता है कहता है अब नाचो जिनसे लड़ रहे हो और जो लड़ रहा है माने तुम दोनों का खून बहेगा इस खून के बीचों बीच लथपथ होकर नाचो तो अट्ठारह दिन तक समझ लो अर्जुन नाच ही रहे हैं और अट्ठारह दिन अर्जुन को काम वासना का ख्याल आया होगा और अर्जुन अर्जुन सा व्यक्तित्व वो तो जहाँ जाते थे उनको नारियाँ उपलब्ध हो जाती थी आके स्वयं आके प्रणय निवेदन करती थी महाभारत में कितने ही उल्लेख हैं अर्जुन के पास आए भीम के पास आए अर्जुन को कोई शुद्ध अर्जुन को एक क्षण का भी ख्याल ये सब बातें काम वासना या कोई और नशा या कोई और उपद्रव कोई मतलब इन बातों से क्यों नहीं मतलब कृष्ण नचा रहे हैं अर्जुन नाच रहे हैं यहां किसको याद आएगी अपनी देह की और नारी देह की समझ में आ रही है बात कुछ अब एक दूसरी नौकरी खोजो दूसरी माने ये नहीं कि पहली छोड़नी है रखे रहो पहली पहली तो जो नौकरी वो नौकरी है ही नहीं छः घंटे में क्या होता है? छह घंटे में कोई नौकरी होती है नौकरी होनी चाहिए दिन में कम से कम सोलह घंटे की तुम्हें मिली है छह घंटे की तो दस घंटे की एक दूसरी नौकरी खोजो यही तुम्हारा उपचार है दस घंटे की एक दूसरी नौकरी खोजो और वो नौकरी मालिक की होनी चाहिए समझ में। समझ रहे हो कुछ बात को और जान लगा कि उसमें डूबो एक तो तुम्हें बड़ी से बड़ी सजा ये जो तुमने कहा ग्लानी रहती है पीछे कुछ ऐसे काम कर दिए थे उसकी याद रहती है एक तो तुम्हें बड़ी सज़ा ये मिल रही है कि दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है तुम उनसे सहज रिश्ते नहीं रख सकते तुम स्वस्थ तरीके से किसी महिला की ओर देख नहीं सकते ये, ये कोई छोटी सज़ा है कि कोई साधारणतया भी स्त्री आ रही है तुम्हारी ओर और, और तुम असहज हो जाओगे कामी कि यही स्थिति होती है साधारणतया तुम बाज़ार में घूम रहे हो बस में चल रहे हो कहीं कुछ है सड़क पर या घर पर ही अपने कोई महिला आ गई चाहे वो पचासी साठ साल की क्यों ना हो और चाहे वो बारह चौदह साल की लड़की क्यों ना हो आपका मन व्यथित हो जाएगा अब आप न तो खुद शांत सहज रह करके अपना कोई काम कर सकते न वो जो आ गई है बेचारी उसको शांत रहने दोगे घर में ऐसा माहौल या जहाँ कहीं भी है सड़क बाजार जो वहाँ ऐसा माहौल बना दोगे कि दोनों ही पक्ष असहज हो जाए दिमाग हिलने लग जाए कि क्या चल रहा है कुछ तो हो रहा है ये छोटी सज़ा है हम कह रहे हैं दुनिया की आधी आबादी जहाँ जाओगे वही दिखाई देंगी बच तो सकते नहीं हो अभी मुझे डर भी लगने लगा है डर भी लगेगा भीतर कुछ गलत ना कर दो। चोरी का भाव भी रहेगा अपराधी अनुभव करते रहोगे अपराधी हाँ। अभी कभी को, कोई तेज़ मिल गई तो थप्पड़ भी मार देगी हाँ क्या बोल रहे हो ये कोई बड़ी अच्छी बात है तो ये दुर्दशा करा रहे हो प्रतिदिन तुम दूसरी नौकरी खोजो जल्दी से ठीक है आलस बहुत उठेगा अभी सामने बैठे हो तो हाँ हाँ बोल रहे हो पीछे जाते ही कहोगे बेकार की बात एक नौकरी कर रहे हैं दूसरी क्यों खोजें घर पे भी पता चलेगा माँ बाप को तो कहेंगे अरे लाड़ला सुकुमार सुकोमल हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है बाबे ने फंसा दिया घिसा देगा इसकी बेचारा नाजुक नाजुक हमारा छौना तो कोई इस बात का समर्थन नहीं करने वाला जो यहाँ हम कर रहे हैं दूसरे भी नहीं करेंगे तुम स्वयं नहीं करोगे इरादा पक्का करना पड़ेगा ठीक है नौकरी मतलब एक कुछ सर्विस मतलब नौकरी सेव... माने सेवा कर तुमसे कोई ऊंचा उसकी सेवा में समर्पित होके जुट जाना कोई गुवाहाटी में हो कोई बड़ा लक्ष्य पकड़ो पहले तो खोजना पड़ेगा क्या क्या ऐसे काम हैं जो कर सकते हो और फिर उनमें एकदम तन्मय होकर के घुस जाओ हम्म और उसको उतना ही जरूरी मानो जितना रोटी को मानता है आदमी जब रोटी खाने को नहीं होती तो नौकरी कितनी व्यग्रता से ढूंढते हो याद है दिन रात इसी में लगे रहते हो नौकरी मिले नौकरी मिले अभी यही मानो कि तुम्हारे पास रोटी नहीं है खाने को तो उतनी ही बेचैनी से नौकरी ढूंढो अपने लिए दूसरी